रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में। ये टॉपिक कहाँ काम में आता है, हमें क्यों समझना चाहिए। बेसिकली अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझना चाहते हो, उसके लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, एडिटोरियल है, या हमारे एग्जामिनेशन में जो हमारे एडिटोरियल्स आते हैं या कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, पैसेज पूछे जाते हैं, तो उन सभी को समझने के लिए हमें इस टॉपिक को आना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी टॉपिक हमें आने चाहिए, उसका रेफरेंस अभी मैं दूंगा, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उन वीडियोस के मैं थंबनेल अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे कि द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है, डेक्कन क्रॉनिकल्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी आपके माइंड में इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, अगर आप उसको समझना चाहते हो तो ऐसे टॉपिक आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जो लेंथी सेंटेंसेस होते हैं, जो अजीब व गरीब दिखने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको समझने के लिए इस टाइप के टॉपिक आना ज़रूरी होते हैं। क्योंकि वो जो राइटर होते हैं, जो एडिटर होते हैं, वो एक्चुअली में ऐसे ही टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ताकि जगह कम बचे, यानी कि जगह थोड़ी जगह में ज़्यादा सेंटेंस को लिखा जा सके। तो ये सारी चीज़ें होती जरूरी। इसके अलावा मैं अपने एक बैच के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आप रेनर मार्टिन का कंप्लीट ग्रामर का बैच पढ़ना चाहते हो, तो आप केवल और केवल 499 में इसको पढ़ सकते हो। करना क्या होगा आपको, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना, उपाहार क्लासेस सर्च करना, आपको वहाँ पर ऐप दिखाई देगा उपाहार क्लासेस बाई सुमित सर, जिसका लोगो ये होगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। वहाँ पर ऐप के अंदर आपको रैन मार्टिन फुल बैच दिखाई देगा, इसको बाय कर लेना और यहाँ पर आपको कंप्लीट ग्रामर बैच आपको रैन मार्टिन का मिल जाएगा। अगर आप रैन मार्टिन का कंप्लीट ग्रामर का बैच पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ऐप के अंदर जा कर के इस बैच को कंप्लीट पढ़ सकते हो। अगर इसके आप डेमो वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो डेमो वीडियोज़ भी इस ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इंग्लिश के न्यूज़ पेपर को समझने के लिए हमें और कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए, तो मैं कौन कौन सी वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसकी रेफरेंस दे देता हूँ। रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ये देख लेना। रिड्यूस नाउन क्लॉज, रिड्यूस एडवर्ब क्लॉज, फ्रंटिंग, ये सारे सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि हर एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हर न्यूज़ पेपर को समझने के लिए ज़रूरी है, हर एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है, और हर पैसेज को समझने के लिए ज़रूरी है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो लंबे लंबे पैसेज, एडिटोरियल्स और इंग्लिश के न्यूज़पेपर को बनाने के लिए काम में आते हैं। तो ये टेक्निक्स अगर हमें मालूम होगी, तो हमें हर एक चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। इसीलिए इन टॉपिक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो आप मुझे सभी प्लेटफॉर्म पर उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कू ऐप है, सभी जगह आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। तो बात करते हैं रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज के बारे में, जिसका दूसरा नाम होता है रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज। रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज में बोलूँ या रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। रिड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस रेफर टू द शॉर्टनिंग ऑफ अ रिलेटिव क्लॉज। जो रिड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं, वो एक्चुअली में रिलेटिव क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म होता है, विच मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। रिड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस मॉडिफाई द सब्जेक्ट एंड नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई करती है, ना कि उसके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल और केवल सेंटेंस के सब्जेक्ट से लेना देना होता है। मच लाइक एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, वैसे ही हमारा रिलेटिव क्लॉजेस जो होते हैं, वो सेंटेंस के लिए यूज़ होते हैं। रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं, वो आपके एडजेक्टिव क्लॉज भी कहलाते हैं, जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि द मैन हु वर्क्स हेयर लिव्स इन दिल्ली, वह आदमी जो यहाँ काम करता है, कौन काम करता है, जो यहाँ काम करता है। तो हु वर्क्स हेयर, ये सेंटेंस अपना कहलाएगा रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि इस मैन नाउन के लिए आया हुआ है, इसको मॉडिफाई कर रहा है।
लिव्स इन दिल्ली ये आपका द मैन लिव्स इन दिल्ली ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और हु वर्क्स हियर ये आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अभी क्या क्लॉजेस होते हैं इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या होते हैं इन्हीं नाम से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप आराम से जाकर चैनल पर देख सकते हो बाद में। आई गेव अ बुक विच वॉज रिटन बाई शेक्सपियर टू स्नेहा लास्ट नाइट। मैंने स्नेहा को एक बुक दी है, कौन सी बुक दी है, वह बुक जो शेक्सपियर ने लिखी है। तो ए बुक विच वॉज रिटन बाई शेक्सपियर, कौन सी बुक, जो बुक शेक्सपियर ने लिखी है। तो ये आपकी कहलाएगी रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन है, बुक का डिस्क्रिप्शन है, बुक को मॉडिफाई कर रहा है ये वाला क्लॉज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में। रिलेटिव क्लॉजेस कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू शॉर्टर फॉर्म इफ द रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाई द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। रिड्यूस क्लॉजेस जो होती हैं, यानी कि रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं जो रिड्यूस हो जाती हैं, वो एक्चुअली में सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए यूज होती हैं। जैसे कि अभी हमने इस सेंटेंस में देखा था कि ये वाली क्लॉज हुई है यूज और ये वाली क्लॉज हुई है, इन्हीं क्लॉज को अगर छोटा कर दें तो वो रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। यानी कि क्लॉज को और छोटा कर दिया जाए तो वही रिड्यूस क्लॉज आपकी कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी होगी। जैसे कि पर्सन हु वॉज हैप्पी, जैसे मैंने बोला पर्सन हु वॉज हैप्पी, तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको मैं बोलूँगा हैप्पी पर्सन, तो हु वॉज हैप्पी को मैं चेंज कर दूँगा हैप्पी पर्सन, इस तरह से। एक और देखिए, मैन हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैन हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इस फ्रेज को मैं कैसे चेंज करूँगा, मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर। अब आपने ध्यान दिया होगा कि हु वॉज हैप्पी का मैंने हैप्पी आगे रख दिया, हैप्पी पीछे नहीं रखा है, और इसमें हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर में रेस्पॉन्सिबल फॉर मैंने मैन के पीछे रखा है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सिंगल वर्ड था इसलिए मैंने आगे रखा है, और ये फ्रेज था, प्रेपोजिशन इसके साथ में जुड़ा हुआ था, इसलिए मेरी मजबूरी हो गई थी इस मैन के पीछे रखने का, नंबर दूसरा कारण। अगला, बॉक्सेस दैट आर अंडर द काउंटर, तो कैसे बनेगा, बॉक्सेस अंडर द काउंटर ऐसे बनेगा। तो पहले तो आपका ये एडजेक्टिव था, फिर आपका एडजेक्टिव फ्रेज था, फिर आपका प्रेपोजिशन फ्रेज आया था, अब आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। स्टूडेंट्स दैट वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स दैट वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो कैसे बनेगा, स्टूडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इसके अंदर दैट और वॉज छुपा हुआ है, इसके अंदर दैट और आर छुपा हुआ था, इसके अंदर हु और वॉज छुपा हुआ था, इसके अंदर हु और वॉज छुपा हुआ था। तो ये हम लोग बेसिकली कंजंक्शन और हेल्पिंग वर्ब को ओमिट कर देते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, जैसे कि पीपल हु आर वर्किंग ऑन द रिपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, हु को हटाएंगे और आर को हटाएंगे, तो कैसे बनेगा, पीपल वर्किंग ऑन द रिपोर्ट, इस तरह से बनाएंगे। रिड्यूस टू एन एडजेक्टिव, तो पहला पॉइंट देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें पहला क्या होगा, पहले तो हम उसके रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो बी फॉर्म है, जो बी फॉर्म है इज एम आर वॉज वर, उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और जो आपकी एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले रखेंगे जिस नाउन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जैसे कि द चिल्ड्रन हु वर हैप्पी प्लेड अंटिल 9 इन द इवनिंग, चिल्ड्रन जो कि खुश थे उन्होंने शाम को 9 बजे तक खेला। तो हम क्या करेंगे, एक तो कंजंक्शन हटाएंगे और एक बी फॉर्म हटाएंगे,
और जो हमारी एडजेक्टिव बची हुई है हम उस नाउन के पहले लगाएंगे जिसके बारे में बातचीत चल रही है, यहाँ पर लगाएंगे। तो कैसे यूज़ होगा कि द हैप्पी चिल्ड्रन प्लेड अंटिल 9 इन द इवनिंग, इस तरह से लिखेंगे। दूसरा, द हाउस विच वॉज ब्यूटिफुल वॉज सोल्ड फॉर ₹3 लाख, वह घर जो बहुत ही सुंदर था वह 3 लाख रुपये में बिक गया। तो विच हटाएंगे और वॉज हटाएंगे और ब्यूटिफुल उठा करके हाउस के पहले लगा देंगे। द ब्यूटिफुल हाउस वॉज सोल्ड फॉर ₹3 लाख, क्लियर। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी थी। अब किसी नाउन, किसी एडजेक्टिव सॉरी रिलेटिव क्लॉज को किसी एडजेक्टिव फ्रेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, उस रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करेंगे और जो बी फॉर्म है उसको रिमूव करेंगे और उस एडजेक्टिव फ्रेज को उस नाउन के बाद रखेंगे जिसके बारे में बातचीत चल रही है। अब याद रखना है उसके बाद रखना, ना कि पहले। फ्रेज को बाद में रखते हैं और सिंगल वर्ड को पहले रखते हैं। जैसे कि द प्रोडक्ट विच सीम्ड परफेक्ट इन मैनी वेज, वह प्रोडक्ट जो कई तरीके से परफेक्ट दिखता था या महसूस हो रहा था, फेल्ड टू सक्सीड इन द मार्केट, वह मार्केट में फेल्ड हो गया। तो हम एक तो ये सीम्ड विच हटाएंगे और एक सीम्ड हटाएंगे, तो कैसे बनेगा, द प्रोडक्ट परफेक्ट इन मैनी वेज फेल्ड टू सक्सीड इन द मार्केट, इस तरह से बनाएंगे। द बॉय हु वॉज प्लीज्ड बाई हिज ग्रेड्स, वह लड़का जो अपनी ग्रेड से काफ़ी ज़्यादा खुश था, वेंट आउट विद हिज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट, अपने दोस्तों के साथ गया, बाहर गया सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ से हु हटाएंगे और वॉज हटाएंगे, कैसे बनेगा, द बॉय प्लीज्ड बाई हिज ग्रेड्स वेंट आउट, बाहर गया अपने दोस्तों के साथ में टू सेलिब्रेट करने के लिए, क्लियर। तो फ्रेजेस जो हैं वो सेंटेंस के मतलब उस नाउन के जस्ट बाद में रखे जाएंगे। अब बात करते हैं किसी आपके रिलेटिव क्लॉज को प्रेपोजिशन फ्रेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद जो बी फॉर्म है इज एम आर वॉज वर सीम एपीए जो भी है उसको रिमूव करेंगे। देन उसके बाद जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उस प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम उस नाउन के बाद रखेंगे जिसके बारे में बातचीत चल रही है। जैसे कि द बॉक्स विच वॉज ऑन द टेबल वॉज मेड इन इटली, वह बॉक्स जो मेज पर रखा हुआ था वो इटली का बना हुआ था। तो हम क्या करेंगे, एक तो कंजंक्शन रिमूव करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन रिमूव करेंगे और बी फॉर्म रिमूव करेंगे, तो बनेगा द बॉक्स ऑन द टेबल वॉज मेड इन इटली। द वुमन हु वॉज एट द मीटिंग स्पोक अबाउट बिजनेस इन यूरोप, वह महिला जो मीटिंग में थी स्पोक अबाउट बिजनेस इन यूरोप, यूरोप में उसने बिजनेस के बारे में बातचीत की। तो कंजंक्शन हटाया और हेल्पिंग वर्ब हटाई। द वुमन एट द मीटिंग स्पोक अबाउट बिजनेस इन यूरोप, ऐसे सेंटेंस देखने को जब हमें मिलते तो दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाता है कि एट मीटिंग इस सेंटेंस में यहाँ क्यों आया, ये सेंटेंस के पीछे क्यों नहीं आया, ऑन द टेबल यहाँ क्यों रखा हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में क्यों आया है, तो ऐसा माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमें ये चीज़ें आनी चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीख सकें। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को, एडिटोरियल को, पैसेज को समझने के लिए, पैरा जंबल्स को समझने के लिए ये चीज़ें हमें आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं कि रिलेटिव जो क्लॉज है उसको पास्ट पार्टिसिपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करेंगे, फिर बी फॉर्म जो आपकी इज एम आर वॉज वर सीम अपीयर वगैरह उसको रिमूव करेंगे, और जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है उसको उस नाउन के ठीक पहले रखेंगे जिसके बारे में बातचीत चल रही है। जैसे कि द डेस्क विच वॉज स्टैंड
वॉज एंड टेक, तो यहाँ से विच हटाएंगे और वॉज हटाएंगे, स्टैंड को रखेंगे डेस्क पहले, द स्टैंड डेस्क वॉज एंड टेक। क्लियर, जैसे हैप्पी वगैरह आ रहा था ना आपका एडजेक्टिव, वैसे ही आपका पार्ट पार्टिसिपल यहाँ पर आ रहा है। द मैन हु वॉज इलेक्टेड वॉज वेरी पॉपुलर, वह आदमी जो इलेक्ट हुआ था, जिसका चुनाव हुआ था, वह बहुत ही पॉपुलर था। तो ये हटाया और ये हटाया, द इलेक्टेड मैन वॉज वेरी पॉपुलर, चुना हुआ आदमी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। अब बात करते हैं कि जेनेटिव क्लॉज को पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करेंगे, फिर बी फॉर्म को रिमूव करेंगे, और उस पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज को, याद रखना सिंगल वर्ड नहीं फ्रेज आएगा, तब फ्रेज को उस नाउन के बाद में रखेंगे जिसके बारे में बातचीत चल रही है। सिंगल वर्ड है तो पहले आएगा, फ्रेज है तो बाद में जाएगा। जैसे कि द कार विच वॉज परचेज इन डेली वॉज ए विंटेज मस्टैंग, तो देखो यहाँ से विच हटाया और वॉज हटाया, कैसे बनेगा, द कार परचेस्ड इन डेली वॉज इन अ विंटेज मस्टैंग। तो यहाँ से जब ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो माइंड बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि परचेस्ड आगे सेकेंड फॉर्म आ गई, फिर वॉज किसके लिए आया है, तो माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो माइंड इसलिए कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि एक्चुअली में ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जिसके अंदर विच और वॉज छुपा हुआ है, इसी वजह से माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है न्यूज़पेपर एडिटोरियल या अलग अलग चीज़ों को देख करके। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये चीज़ सीखनी हमें, तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। द एलिफेंट विच वॉज बॉर्न इन कैप्टिविटी वॉज सेट फ्री, वह एलिफेंट जो कि कैप्टिविटी, जिसका मतलब होता है कि सुरक्षा में या किसी पाबंदी में जिसका जन्म हुआ था, उसको छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया गया है। तो यहाँ से विच हटाया और वॉज हटाया, तो द एलिफेंट बॉर्न इन कैप्टिविटी वॉज सेट फ्री। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी रिलेटिव क्लॉज को प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करेंगे, फिर बी फॉर्म को रिमूव करेंगे, और उस प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज को उस नाउन के ठीक बाद रखेंगे जिसके बारे में बातचीत चल रही है। कैसे, द प्रोफेसर हु इज टीचिंग मैथमेटिक्स विल लीव द यूनिवर्सिटी, वह प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वह यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे। तो यहाँ से हु हटाएंगे और इज हटाएंगे, तो कैसे बनेगा, द प्रोफेसर टीचिंग मैथमेटिक्स विल लीव द यूनिवर्सिटी। अब बहुत से लोग कहेंगे सर अगर मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटा दूँ और डायरेक्ट इस सेंटेंस को लिखूँ तो 99.99% लोग इस सेंटेंस को गलत बताएंगे। क्यों कहेंगे सर कि यहाँ पे आपने टीचिंग लिख दी है, यहाँ पर इज एम आर वॉज वर तो आपने लिखा ही नहीं है, ये तो सेंटेंस गलत है। तो भाई ये सेंटेंस गलत नहीं है, इन प्रोफेसर की वर्ब जो है वो यहाँ पर विल लीव लिखी हुई है, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज लिखा हुआ है जिसके अंदर हु और इज गायब है। तो ये डायरेक्ट टीचिंग वर्ब जो लिखा हुआ है वो आपका मेन वर्ब नहीं है, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ऐसे ही सेंटेंस देखने के बाद माइंड कन्फ्यूज हो जाता है, तो ये चीज़ें आनी कंपलसरी हैं, अब आपको महसूस हो गया होगा। द डॉग दैट इज लेइंग ऑन द फ्लोर वॉन्ट गेट अप, वह डॉग जो फ्लोर पर लेटा हुआ है उठेगा नहीं, तो दैट हटाया और इज हटाया, द डॉग लेइंग ऑन द फ्लोर वॉन्ट गेट अप। क्लियर, सम एक्शन वर्ब्स रिड्यूस टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म स्पेशली व्हेन द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, क्या मतलब इसका हुआ है वो देख लो। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव करेंगे और चेंज द वर्ब टू प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो वर्ब यूज़ की गई है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ करेंगे, और जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है
उसको उस नाउन के बाद रखेंगे जिसके बारे में बातचीत चल रही है। जैसे कि मान के चलिए कि सपोज करो आपको सेंटेंस में इस जगह पर जो कि क्लॉज है, इस क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, तो आपको करना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी यूज़ करनी है, इसमें आईएनजी यूज़ करनी है, इन दोनों को रिमूव करके आईएनजी फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हु हटाएंगे, यहाँ पे लिप्स की जगह लिविंग कर देंगे। द मैन लिविंग नियर माई होम वॉक्स टू वर्क एवरी डे। अब छोटी सी बात ये है कि अभी हम लोगों ने जो ये चीज़ पढ़ी थी, जैसे कि यहाँ पर टीचिंग मैथमेटिक्स है, तो हमने इस सेंटेंस में अंदाज़ा लगा लिया था कि या तो यहाँ पर वॉज होगा या वर होगा, या तो वॉज होगा प्रोफेसर के हिसाब से या फिर इज़ होगा। तो ये तो क्लियर कि यहाँ पे इज़ आएगा या वॉज आएगा, यहाँ पर लेंग लिखा हुआ या तो यहाँ पर इज़ आएगा या तो वॉज आएगा, तो क्लियर था। लेकिन ऐसे सेंटेंस को देखने के बाद यहाँ पर लिविंग लिखा हुआ है, अब यहाँ पर माइंड एक ही चीज़ बताएगा कि या तो यहाँ पर इज़ आएगा या तो वॉज आएगा, लेकिन ना तो यहाँ पर इज था ना वॉज था, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म था। तो जब सेंटेंस में हमें फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म लिखी मिले, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस में आप चेंजिंग ना करें, इनको एज इट इज़ लिखा रहने दें, ताकि हमें इस चीज़ से कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म थी। मेरी बात फिर से समझ लीजिए कि जब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लिखी हुई मिले मेन सेंटेंस में, तो हम उसको रिड्यूस करने से बचें, ताकि उसका हमें ये कन्फ्यूज़न ना हो कि जो आईएनजी फॉर्म में ये बदल गया है, हमें ये बात की कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में एक्चुअली यहाँ पर इज़ एमर था कि वॉज वर था कि फर्स्ट फॉर्म था कि सेकेंड फॉर्म था क्या था, हमें ये पता करने में काफ़ी फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये एम्बिगस हो जाता थोड़ा सा, इसलिए इससे बचना चाहिए। हालांकि न्यूज़ पेपर में देते हैं तो कोई बात नहीं है, वो मिल जाता है, तो एक ये भी पैटर्न है आपका लिखने का। अगला, द गर्ल हु अटेंड्स माई स्कूल लिव्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। वह लड़की जो मेरा स्कूल अटेंड करती है वो स्ट्रीट के बिल्कुल एंड में रहती है, तो हु हटाएंगे, अटेंडिंग कर देंगे। द गर्ल अटेंडिंग माई स्कूल लिव्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। वह लड़की जो स्कूल अटेंड कर रही है वह स्ट्रीट के बिल्कुल अंत में रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको रिलेटिव क्लॉजेस जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और ऐसी और भी वीडियो मैंने जो आपके रेफरेंस में बताए हैं वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उनको आप जा करके देख लेना, आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सी चीज़ समझ आ रही है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, अगर आप सामने वाले इंसान को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप दिए गए इस UPI ID पर मुझे पे कर सकते हो। आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, कोई भी ऐप जो भी आप यूज़ कर रहे हो, किसी भी ऐप से आप दिए गए इस UPI ID मुझे पे कर सकते हो। आप चाहें तो इस QR कोड को भी स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। मैं पे करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर एक कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके पीछे बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, कंज्यूम होता है बल्कि, क्योंकि पहले सोचो क्या पढ़ाना है, फिर उसके सेंटेंसेस बनाओ, कंटेंट सोचो, उसके पीछे काम करो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो चीज़ें तो वही होती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे हेल्प के लिए उम्मीद करता हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर आप चाहते हो मुझे पे करना, तो आप दिए गए UPI ID मुझे पे कर सकते हो, और अगर रैंडम मार्टिन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में।